Hi friends, once again welcome back to my another video and my channel Computing with Anya. So friends, today is our second day of our chapter 2 types of computers. So friends, मैं आपके लिए मतलब यार पूरा एक दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बिना well no problem. चलिए so friends actually कल मैं एक बात बताने भूल गई थी that मैं ये बात बताने वाली थी दैट जो भी मुझे मतलब अगर कमेंट आया सो मैंने अभी तक चेक नहीं करा था सो अगर मुझे कोई कमेंट आया तो मैं उसे संडे को ही ट्राई करूँगी क्योंकि मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में बोला था इवन इन कमेंट आया ऑल्सो राइट दैट अगर आप कोई भी चैलेंज मुझे देना चाहते हैं सो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा एंड देन ऑन संडे वी विल ट्राई दैट. सो फ्रेंड्स चलिए हमारा सेकेंड डे है सो सेकेंड डे को भी आज प्रारंभ कर लें एंड हिंदी आई वुड लाइक टू से सॉरी. ओके सो फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले बार तो मतलब अपने तीन टॉपिक क्लियर करे थे मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स. सो लेट्स मूव. So now our topic is supercomputers. Supercomputers are the most powerful computer. जो supercomputer होता है वो most powerful यानी बहुत ये जो तीन है ना so उन तीनों से भी बहुत मतलब हटके है. तो मेरा कहने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि ये बहुत powerful है. So they are very expensive. They are used in forecasting weather, controlling satellites, designing aircraft, studying earthquakes, etc. यानी expensive तो बहुत होते हैं और ये use करे जाते हैं सुपर कंप्यूटर्स यूज करे जाते हैं weather forecasting के लिए. weather forecast तो सभी को पता ही होता होगा कि क्या होता है. जो satellite सुपर अर्थ पर रहते हैं उन्हें control करने के लिए, जो एयरक्राफ्ट होते हैं उन्हें डिज़ाइन करने के लिए और जो अर्थक्वेक्स होते हैं उनकी स्टडी करने के लिए और भी बहुत कुछ. सो जो ये वाला टॉपिक तो है ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया जो हमारा मतलब होने वाला है. एग्जांपल्स होते हैं इसके क्रे XMP, पेस, टाइटन, EDG. सो ये तीन जो है ना इसके एग्जांपल्स हैं. One of the fastest supercomputer in the world is Sunway Taihu Lite developed by China. So China जी ने अभी अपन मतलब अभी तो नहीं पहले ही अपना एक सुपर फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड लॉन्च करा था जो कि है Sunway Taihu Lite. ओके तो फ्रेंड्स एक्चुअली चलिए अब तो चाइना की बहुत बात हो गई अब थोड़ा ना अपने इंडिया पे आ जाते हैं बिकॉज हम इंडिया के रहने वाले तो इंडिया की भी बात करनी चाहिए. So I would like to say about the supercomputers developed by our India. So actually मैंने pictures तो नहीं ली. Well ये जो आपके सामने picture है ये है Sunway Taihu Lite की. Yes. So चलिए जो मैं नाम बता रही हूँ ना आप Google पे सर्च करके देख लीजिएगा आपको दिख जाएगा बहुत अच्छे से बिकॉज आप समझ ही होंगे. ओके सो सहस्रा की परम 10,000 एंड परम युवा आर द सुपर कंप्यूटर्स दैट आर डेवलप्ड बाय आर इंडिया. यस इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. सो नाउ विदाउट एनी अदर टाइम लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. वेल आई एम प्राउड ऑफ माय इंडिया. सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हैंडहेल्ड डिवाइसेस. Oh, I'm so sorry. My mistake. Yes. Handheld devices. A handheld device is a computer that is held in a hand and can conveniently be stored in a pocket. So friends, handheld devices वो device होता है जो कि computer में होता है और ये एक hand की तरह होता है जो कि हमारे जो pocket होती है उसमें जितना भी सब स्टोर होता है उसको देखता है. मतलब क्या सेंटेंस से आपको समझ में आएगी होगा सेंटेंस पढ़ के दैट अ हैंडहेल्ड डिवाइस इज अ कंप्यूटर दैट इज हेल्ड इन अ हैंड एंड कैन कॉन्वीनियंटली बी स्टोर्ड इन अ पॉकेट. यानी ये हैंडहेल्ड डिवाइस वो होता है जो कि
कंप्यूटर में होता है, मतलब कंप्यूटर में होता है एक हाथ की तरह, और जो कि हमारे जो पॉकेट होती है स्टोरेज पॉकेट, उसमें काम करता है अपना। चलिए उसे छोड़ते हैं, हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। इट इज़ यूज वाइल होल्डिंग इट। एक्चुअली हैंडल डिवाइसेस वो होते हैं, मतलब जस्ट लाइक वेल उसे छोड़ दो। हैंडल डिवाइसेस तब काम करते हैं जब हम उन्हें होल्ड करके रखते हैं, वरना बंद हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, स्मार्टफोन्स। सो जब तक हम पकड़ेंगे उसे, होल्ड करके चलाते हैं, तब तक ये चलता है। सो अगर आप उसके मतलब आप उसे बहुत स्मार्टफोन को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप हैंडल डिवाइसेस भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। टच स्क्रीन इज द प्राइमरी मेथड ऑफ इनपुट इन सच डिवाइसेस। जो टच स्क्रीन होता है ना, तो उसका प्राइमरी मेथड होता है इनपुट का इन डिवाइसेस में टच स्क्रीन इनपुट का प्राइमरी मेथड होता है। जैसे कि स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेस एंड गेमिंग कंसोल्स नहीं होता, कंसोल्स होता, आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हैंडहेल्ड डिवाइसेस। जो स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस एंड गेमिंग कंसोल्स है, तो वो हैंडहेल्ड डिवाइसेस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सो आज हम अपना स्मार्टफोन तो पूरा पढ़ ही लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, स्मार्टफोन। ओके, स्मार्टफोन्स आर हैंडल्ड डिवाइसेस दैट अलाउ अस टू मेक और रिसीव कॉल्स एंड सेंड मैसेजेस। सो जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो तो हैंडल्ड डिवाइसेस होते ही हैं, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा। और ये हमें अलाउ करता है कॉल्स को रिसीव करने के लिए, यानी कॉल किसी का आ रहा है तो उसके कॉल को उठा सकते हैं, या फिर हमें किसी को कॉल करना हो तो हम कर सकते हैं। ये लाइन यहाँ पर नहीं लिखी, बट आई एम टेलिंग यू। और ये यूज करते हैं हम किसी के मैसेज का रिप्लाई करने के लिए या खुद मैसेज करने के लिए। दे हैव एन LCD फ्लैट स्क्रीन एंड अ टच स्क्रीन कीबोर्ड। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना जो LCD हमने पढ़ा था, तो उस तो फिर LCD की जो फ्लैट मतलब LCD फ्लैट स्क्रीन जो होती है वो इसमें होता है, ठीक है। और इसमें एक टच स्क्रीन कीबोर्ड होता है। जस्ट अ मिनट। LCD के मैंने फुल फॉर्म बताई थी, दैट वॉज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सो LCD जो होती है, LCD खुद ही एक फ्लैट स्क्रीन होती है, और जो स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें एलसीडी फ्लैट स्क्रीन तो होती ही है, यानी ये टाइप से कह दो LCD छोटी LCD होती है, एंड इसमें एक टच स्क्रीन कीबोर्ड होता है जिससे हम अपने मैसेजेस को सेंड करते हैं, जिससे हम किसी को कॉल लगाने के लिए नाम सर्च करते हैं। दीज डिवाइसेस हैव फीचर्स सच एज कैमरा, गेमिंग, वीडियो, EDC। तो इस डिवाइस में क्या होता है, इसमें फीचर्स होते हैं जैसे कि कैमरा खोलो, जैसे कैमरा की तो अभी लिख कर मतलब देख भी रही है फोटो, तो कैमरा होता है इसमें। देन गेमिंग, यानी गेम्स कर सकते हो आप विदाउट एनी इशू, और वीडियोस देख सकते हो, वीडियोस बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैमरा एंड विद द हेल्प ऑफ वीडियोस एंड फोटोज, गैलरी, एल्बम वगैरह वगैरह। इसके हेल्प से आप वीडियो देख भी सकते हो, मतलब और भी होते हैं, एंड कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट ऑल्सो। और जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट तक हो सकते हैं, यानी हम YouTube शॉर्ट्स वगैरह वगैरह, जस्ट लाइक Facebook, Twitter, ये सब भी चला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आवर टुडेज टॉपिक आर क्लियर। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, और अगर आप बस वीडियो सीखते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ कर दो ना, एक लाल बटन तो दबाना। ओके, सो बाय।